पहली खबर है सूरत की। सूरत में पिछले 24 घंटों में शहर के अलग अलग थानों में कुल 35.80 लाख रुपए की धोखाधड़ी के 4 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। 2 मामलों में पार्टियों ने पीड़ित व्यापारियों को पेमेंट नहीं चुकाकर धोखा किया। वहीं एक मामले में ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर पार्सल लेकर फरार हो गया। एक अन्य मामले में एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का शिकार हुआ। सलावतपुरा पुलिस के मुताबिक उदना हरिनगर निवासी ट्रक चालक अर्जुन सिंह राजपूत ने ओलपाड़ घनश्याम एवेन्यू निवासी ट्रांसपोर्ट प्रबंधक चंद्रपाल सिंह राजपूत के साथ धोखाधड़ी की। गत 4 मई को चंद्रपाल सिंह अर्जुन राजपूत को ई कॉमर्स कंपनियों के पार्सल अवध मार्केट के निकट अनिल डाइंग मिल के गोदाम से सचिन स्थित ई कॉम एक्सप्रेस कंपनी में पार्सल पहुँचाने का काम सौंपा था। अर्जुन ने 18.26 लाख रुपए के पार्सल वहां से ट्रक में लोड करवाए, लेकिन सचिन नहीं पहुंचाए। उसने ट्रक भी कड़ोदरा में लावारिस हालत में छोड़ दिया और पार्सल लेकर गायब हो गया। इस पर चंद्रपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। उधना पुलिस ने एक कपड़ा व्यापारी को 7 दिनों में पेमेंट करवाने का झांसा देकर 3.63 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक दलाल समेत 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक रघुकुल मार्केट स्थित तन्वी फैशन के संचालक नेपाल जाना व दलाल नंद किशोर शर्मा ने मिलकर वेसु रत्नराज अपार्टमेंट निवासी नरेश नेहलानी ने के साथ धोखा किया। गत वर्ष 7 जून को नंद किशोर ने 7 दिनों में पेमेंट दिलवाने का झांसा देकर उधना स्थित उनकी अनंत सागर फैशन से 48 टांके उधार लिए और फिर भुगतान नहीं किया। सलाबतपुरा पुलिस के मुताबिक दिल्ली चांदनी चौक स्थित दिलीप लहंगा हाउस के संचालक दिलीप वर्मा ने बराचा विक्रम नगर सोसाइटी निवासी जयेश पटेल के साथ धोखाधड़ी की। दिलीप ने 2019 में रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट में निधि क्रिएशन के नाम से कारोबार करने वाले जयेश को भरोसे में लिया, फिर उनसे कुल 11.69 लाख रुपए का कपड़ा उधार लिया, लेकिन भुगतान किए बिना ही दुकान बंद कर फरार हो गया। पुणागाम पुलिस ने मुताबिक मारुति धाम सोसाइटी निवासी प्रीतेश मकवाणा के साथ ऑनलाइन ठगी हुई। फ्लोरिंग का काम करने वाले प्रीतेश को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया, फिर उसका क्रेडिट कार्ड बंद करवाने का झांसा देकर प्रोसेस के बहाने ओटीपी समेत कार्ड के गुप्त जानकारी ले ली। फिर कार्ड का उपयोग कर उसके अकाउंट से 2.20 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक से इसकी जानकारी मिलने पर प्रीतेश ने डिटेल जुटाई और फिर पुणागाम थाने में लिखित शिकायत दी।